नगरपालिका भवन का मुद्दा फिर से गरमाया। पुराने नगरपालिका भवन पर लगा हुआ है उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत उपखंड अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी श्रवण सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपते हुए नगरपालिका सागवाड़ा के भाजपा पार्षदों ने बताया कि विवादास्पद नगरपालिका भवन के निर्माण कार्य की निविदा उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद निकाली गई है, जिसे निरस्त करवाया जाए। नेता प्रतिपक्ष हरिश्चंद्र सोमपुरा ने बताया कि कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, लेकिन पुराने स्थान पर नगरपालिका भवन को गिराकर अन्यत्र ले जाने की जो कार्रवाई है वो विवादास्पद है और इस पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश भी जनहित याचिका के माध्यम से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका भवन नया बाजार सागवाड़ा में जहां स्थित है उसे मलबे में तब्दील कर दिया गया, जबकि वो पटवार भवन घर भवन मिल जाने से कार्यालय भवन के लिए भूमि पर्याप्त है और सागवाड़ा नगर के मध्य में स्थित है। नगरपालिका अस्थाई कार्यालय और पटवार घर अन्यत्र ले जाने से जनता को भारी परेशानी हो रही है और दोनों भवन इस परिसर में जनता वापस चाहती है और यहां पर कोई व्यावसायिक मॉल बनाना लोग नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जनता की इस इच्छा के विरुद्ध उक्त भवन अन्यत्र निर्मित करवाया तो सागवाड़ा की जनता इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और आंदोलन के माध्यम से उनके इरादों को ध्वस्त कर देगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जनभावना और जनहित का सम्मान करते हुए नगरपालिका भवन के कार्यालय भवन का उसी स्थान पर बनाया जाए और उसी स्थान पर नियमानुसार हर तरह का सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, निविदा सूचना निरस्त करवाई जाए। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष हरिश्चंद्र सोमपुरा, पार्षद मनोज कंसारा, विमल कलासुआ, रेखा कटारा, संजय जैन, माया गोगरोत, श्रद्धा पंचाल, आशीष गांधी, करण राजेश हरिजन, मीना सेवक, अनिल सुथार, विशाल यादव, हाजी शायर हुसैन सहित कई पार्षद गण मौजूद थे। इधर जॉबनेर बीसीएमओ डॉक्टर गणपत चौधरी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा करके करीब 10 साल से बीसीएमओ कर रहा था डॉक्टरी। फर्जी दस्तावेज से हड़पी सरकारी नौकरी। करीब 6 साल पहले पदोन्नति से बना बीसीएमओ शिकायत के बाद आरएमसी ने दस्तावेज की जांच करवाई और जांच में खुलासे के बाद रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री और अन्य कई नेताओं के साथ स्वयं का फोटो दिखाकर प्रभाव जमाता था डॉक्टर। स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं हुई और आरएमसी ने फर्जीवाड़े से जुड़ी फाइल सरकार को भेज दी है। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।